and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but the हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हमारे श्री गोट फॉर्म में जिनके होना का नाम है दीपक भाई, मिलते हैं दीपक भाई से और बातचीत करेंगे कि आज मैच क्या दिखाने वाले हैं कि नहीं, जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार नमस्कार। आज मैच क्या दिखाने वाले हो? सिरोही गुजरी अजमेरी की बकरियाँ हैं, प्रेगनेंट 20 बकरी, 20 बकरी का ब्रीडर है जो सिरोही गुजरी अजमेरी की है। तो ये अभी जो आपके पास ये लॉट है पूरा अवेलेबल है? अवेलेबल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि ये माल अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मिल जाएगा? अभी मिल जाएगा ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि कोई नया फार्म स्टार्ट करता है तो सेकंड टाइम की प्रेग्नेंट बकरियां लेता है, कोई फर्स्ट टाइम की लेता है, तो बच्चे लेके शुरुआत करता है, तो आप सबसे ज्यादा आप क्या कहते हो कि कौन सी चीज लेके शुरुआत करनी चाहिए? सेकंड टाइम की प्रेग्नेंट लेके चाहिए। सेकंड टाइम की बकरियां जो प्रेग्नेंट होती है वो लेके जाना चाहिए। तो इस टाइप की बकरियां होती होगी? इस टाइप की, ये रही ये रही जी, ये रही ये रही ये रही। तो इससे भी हैवी बकरी आती है कि इससे और इससे भी हैवी आती है ना, और इससे कम भी आती है? कम भी आती है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि इसका रेट क्या आपने मतलब की है, क्या रेट रखा है इसका? 16,000 की पट्टी, 16,000 की पट्टी के हिसाब से बकरी आपने इसका रखा है रेट। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि जानकारी लेते हैं, अभी पहले आपने वीडियो बनाया था ना, 35 बकरी थी जी जी, उसमें तो बड़ी 15 बकरी थी निकल गई उसके अंदर। बराबर, थोड़ी हाइट लेंथ में अच्छी बड़ी थी, वो थोड़ी चली गई। तो उस टाइम पे रेट में ख्याल था आपने, 17,000 इसलिए बताया जी। और अभी कितना रेट आपने बताया? 16,000। 16,000 के रेट के हिसाब से इसके अंदर अभी मीडियम रेंज की बकरी बची है? हाँ, मीडियम रेंज की बची है। बहुत अच्छी बात है। और भी जैसे कोई डिस्काउंट वगैरह होगा तो आप कर देंगे? थोड़ा बहुत जो गुंजाइश रहेगी थोड़ा कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये जितना पूरा 20 रंग का लॉट है, ब्रीडर है, ब्रीडर का क्या रेट रखा है आपने? 65,000 ब्रीडर 65,000 रुपये का रेट रखा हुआ है और बकरिया का रेट है 16,000। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर सारी नस्ल आ गई, सिरोही गुजरी अजमेरी सब नस्ल मिक्स आ गई। और जैसे कि यहाँ पर और बल्क में माल चाहिए होता है तो क्या प्रोसेस रहती है? 20% एडवांस लेते हैं जी, बाकी लोडिंग टाइम पे पूरा पेमेंट करके लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 20% एडवांस लगता है और बाकी का लोडिंग टाइम पे क्लियर पेमेंट हो जाता है। और जैसे कि अपने पास पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन माल है? हाँ, पूरा वैक्सीनेशन माल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये पूरा माल आप ट्रांसपोर्ट करवाते हैं? हाँ। तो ट्रांसपोर्ट मतलब कि पूरे इंडिया भर में जाता होगा? हाँ, पूरा इंडिया में माल जाता है। तो ये कितना मिनिमम कितना ट्रांसपोर्ट करते हो? 20 आप मिनिमम ट्रांसपोर्ट करते हो। तो जैसे ये जगह बड़ी है तो इस हिसाब से 20 तंग भी कम दिखते हैं? ये 250 बकरों का जगह है, अब उसके अंदर 20 बकरे दिखा कम ही दिखेंगे ना भैया। बिल्कुल। तो अगर कोई नया फार्म स्टार्ट करता है तो उसको आप क्या जानकारी दोगे कि वो नया फार्म स्टार्ट करने से पहले कि वो सावधान हो जाए और कुछ अपनी ऐसी जानकारी पा ले कि वो अपने आगे सक्सेसफुल हो सके? तो ब्रीडिंग सेटअप लगा रहा है तो सेकंड टाइम की प्रेग्नेंट बकरी से लेकर बिजनेस शुरुआत करें जी। और कुर्बानी का बच्चा बना रहा है, कुर्बानी के लिए बच्चे बना रहा है तो वो कम से कम 6-7 महीने के बच्चे लेके जाए। चलो, बहुत अच्छी बात है। और कटिंग का माल लेके जाता है तो 25 किलो के आसपास, 25-30 किलो का माल लेके जाए, छोटे बच्चे लेके मत जाए। और कोई भी प्रकार की किसी इंसान को जानकारी नहीं होती है, बकरे का भी नहीं पता होता है और बिजनेस स्टार्ट कर लेता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है? हाँ, करता है। तो हमने भी किया है। तो कुछ टॉपिक बताएंगे कि कौन से टॉपिक पे ज्यादातर लोग? बस ये मैंने आपको तीन चीज बताई है, तीनों चीज पे ध्यान दो जी, कि बच्चे पे ना करे, थोड़ा बकरे पे करे, बकरे पे और बच्चे पे भी करे तो कुर्बानी पे थोड़ा बड़े बच्चे लेके जाए, बड़े बच्चे लेके 10 बच्चे कम लेके जाओ, 50 लेके जाना चाहता हो तो 40 लेके जाओ, लेकिन बड़ा माल लेके जाओ। तो अभी बारिश के मौसम, गर्मी का मौसम और ठंडी के मौसम में सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा मौसम होता है जो पलाई के लिए पालक कर? गर्मी में अच्छा। बकरों को सबसे ज्यादा पसंद आता है हीटिंग। अच्छा, रात को भी हम रखते हैं तो पूरा हीटिंग में रखते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जो गर्मी में बाल पलाई ज्यादा होती है अच्छे से, और बारिश में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है? हाँ, फेस होता है ना, बहुत सारी बीमारी आती है, प्यारों की बीमारी बहुत आती है। अच्छा, अधिकतर प्यारों की बीमारी? प्यारों की बीमारी आती है जो मतलब जैसे बारिश का पानी लगने के बाद जो छाले पड़ते हैं ना, इंसान में पड़ते हैं तो बकरों में भी पड़ते हैं। अच्छा, लेकिन बकरों में कोई ध्यान देता नहीं है तो उसको उसके लिए भी इलाज होता है। जो बकरों में अधिकतर ध्यान नहीं देते और अधिकतर उसके पैर में, आपके पास कोई ऐसी बकरी होगी जो उस पर पता चल जाए कि उनको कैसी प्रॉब्लम आती है? ये बकरी बैठे? अच्छा, एक बकरी है क्या? हाँ। बता ही रही है। हाँ। ये बकरी है। तो इसको कैसे प्रॉब्लम होती है? दोनों को पैरों में छाले पड़ जाते हैं। अच्छा, इन खुरों के बीच में प्रॉब्लम आती है? हाँ। तो चमड़ी में
पक जाती है। अच्छा, जो बारिश के पानी से, हाँ बारिश के पानी से जो पका हो जाता है, जो खुर पका बोलते हैं जो, हाँ, ब्रो, हाँ, ये खुर पका का रोग है, हाँ, तो इसका क्या इलाज होता है? उसमें तो रस्सी सुखाने की दवाई आती है, वो लगानी पड़ती है, पोटेशियम परमैंगनेट आता है, उसको पैर पैर डुबा के रखना पड़ता है। तो इसको अगर मान लो लापरवाही की जाए तो फिर उसका तो मोर्टेलिटी होती है, बकरी मरती है ना, कीड़े पड़ जाते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो सहन नहीं कर पाती और उसके बाद फिर लक्षण वो मरने के हो जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो इसको रख रखाव के लिए अगर किसी भाई को अगर खुर पका का बीमारी आ रही है, तो कोई प्रकार की और बीमारी आ रही है, बारिश में और भी तकलीफ आ रही है, तो डायरेक्ट आप दीपक भाई को भी कॉन्टेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी बकरी पालन कर रहा है और आप यहाँ से दीपक भाई से माल लेके गए हो, तो आपके पास ये जो सर्विस मिलती है, जो बाकी माल ले जाने के बाद जो आप कॉल उठाते हो और उसके बाद आप जानकारी देते हैं कि ये चीज़ करो, कस्टमर कॉल करता है हम जानकारी देते हैं जी, पर यहाँ से आप मेडिसिन भी दिलवाते हो? हाँ दिलवाते हैं ना, तो जो सारी जानकारी देते हैं, मेडिसिन भी दिलवाते हैं, सब कुछ करते हैं, जो सीजन में जो कस्टमर यहाँ से लेके गया उसके लिए। जी बिल्कुल, यानी कि मान लो आपके पास यहाँ से 20 बकरी लेके गया है, अगर ये ठंड के टाइम पे लेके गया तो ठंड में कौन सी बीमारी होती है उस हिसाब से दवाई ले। 20 बकरी ने अभी छिंदवाड़ा मैंने 11 बकरी भेजी है, उसके हम हर रोज कोई प्रॉब्लम आती है, नया किसान है तो प्रॉब्लम आएगी, यानी कि हर सीजन में अलग अलग बीमारियां है। अब मान लो ठंड पे लेके गया तो ठंड में जो बीमारी आएगी उसकी दवाई दिलाओगे आप, और गर्मी में जो आएगी गर्मी में दिलाओगे तो? गर्मी में कुछ नहीं होता। अच्छा, गर्मी में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर जैसे बारिश में आते तो बारिश में जो गर्मी में ज्यादातर आफरा चढ़ता है ज्यादातर, हाँ जो खाने पे ज्यादा पानी ज्यादा पी लेते हैं उसमें, खाना खाते ज्यादा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी थी। तो इतनी कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ओनर के बारे में, दीपक भाई के बारे में। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आप अपनी जानकारी से हम लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।